जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जितेंद्र दिव्यांग जोश। आपने हर बार सवाल करते हैं कि जितेंद्र भी आप मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, तो मोटिवेशन मतलब एजुकेशन, मैं एजुकेशन पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो उसी में जैसे किसी ने कहा कि YouTube चैनल क्रिएट कैसे करते हैं और करने से का उद्देश्य क्या होता है, जैसे लोगों का तुरंत हो जाए कि मैं पैसा क्यों कैसे कमाया जाता है, तो इसी बीच हमारे चैनल पे आए हैं आप देख सकते हैं सच न्यूज जागो अमित जी। अमित जी सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा कि आपने हमको अपने चैनल पर लाया। जितने भी दर्शक देख रहे हैं भैया जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा भी चैनल है सच न्यूज जागो। हाँ सबसे पहले तो मैं आपको अरे नहीं अच्छा लगा कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, अच्छा लगा। मैं यही बस दो शब्द ये चाहूँगा कि आपका यूट्यूब में आने का उद्देश्य क्या रहा है, मतलब इससे क्या लोगों पे प्रेरणा देना चाहेंगे। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल में आने का मेन उद्देश्य आपको बताऊँगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया, यह क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन आपके दर्शकों को और मैं हमारे भी दर्शक देख रहे होंगे तो उनको भी मैं बता रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल में आने का मेन मकसद है समाज सेवा, लोगों की आवाज़। जैसे गरीब को कोई उत्पीड़न कर रहा है, गरीब को कोई परेशान कर रहा है, तो हम उनकी आवाज़ को उच्च अधिकारियों तक ले जाते हैं ताकि वहाँ उनकी मदद हो सकती है। हमारा कई मुद्दाएँ हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, शॉर्टकट में ही बताने की कोशिश करूँगा, बस यही है समाज सेवा करना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत कम ऐसे दिल वाले लोग मिलते हैं कि जो समाज के बारे में सोचते हैं और समाज की सेवा करते हैं। आपने तो इतनी बड़ी मुद्दा उठाया कि गरीब असहाय को आवाज़ को उठा के ले जाते हैं अधिकारी तक, उच्च अधिकारी तक, मंत्री तक, विधायक तक, मुख्यमंत्री तक आपने आवाज़ उठाने का ये प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और, आप एक बार मुझसे सवाल बोले थे कि भैया मैं तो बोल नहीं पाता था ऐसे, मतलब कि किसी को ऐसे देखकर बोलने लगा, अब तो आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल भी कर लेते हैं, तो अब कोई झिझक नहीं होता है? सर झिझक तो होती है, अभी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपको बोलने नहीं आता है, तो क्या मैं माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आया हूँ, गलती होती है। हमारे गुरुजी हैं ब्रजभूषण दुबे जी को आप जानते होंगे, नाम तो मैं नहीं ले सकता लेकिन मजबूरी है, मैंने आप लोगों को बताया, नाम है ब्रजभूषण दुबे, उनका यूट्यूब चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से। उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, अगर नहीं बोलने आता था तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। कहीं अगर भटक होती थी तो गुरुजी से डायरेक्ट फ़ोन करता था, बहुत लोग कमेंट करते थे कि आपका बोलने नहीं आ रहा है, तो मैं गुरुजी को बताता था, तो गुरुजी ने आज तक मुझे इस रास्ते पे लाया। सबसे पहले तो मैं उनको चरण स्पर्श करूँगा। ठीक है, बिन गुरु का ज्ञान किसी क्षेत्र में नहीं, चाहे आप किताब पढ़ेंगे तब, चाहे समाज में आएंगे तब, बिन गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो आपने उनको गुरु माना था, वीर एकलव्य की तरह आपने माना, ठीक है, अच्छी है। और आज के युग में गुरु और चेले में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आपने पहले वाला जो आपने बोला कि चरण स्पर्श करता हूँ, तो मुझे वीर एकलव्य की याद आ गया, वो कड़ी आज भी है, लोगों पे शोभा भी देती है, बोलने पे लगता है कि नहीं है गुरु और चेले का जो आपने निभाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए भगवान है, जब एकलव्य की तरह ही फर्ज निभाऊंगा। चलिए जहाँ तक मेरी कल्पना है, आगे अब क्या होगा भगवान जाने, मेरी सोच है। दुबे जी के बारे में आप तो कहें तो आप न जाने कब से मिलेंगे, लेकिन मैं तो 2006 से आज जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ हूँ उन्हीं का देना है। अब मैं और दूसरे का एग्जांपल क्या बताऊँ, सब कुछ ठीक है, आपने आया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।